इस साल गणेश चतुर्थी 25 अगस्त शुरू हो रही है जो कि 5 सितंबर तक चलेगी। भगवान गणेश के जन्मोत्सव को गणेश चतुर्थी के रूप में जाना जाता है। गणेश चतुर्थी को पूरे देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। माना जाता है कि भगवान गणेश जी का जन्म भाद्रपद माह में शुक्ल पक्ष को हुआ था। गणेश चतुर्थी का उत्सव प्रारंभ होते ही सभी राशियों को विशेष लाभ होगा, लेकिन मान्यता है कि इस दौरान एक काम नहीं किया जाना चाहिए। यदि यह काम किया तो परिणाम बहुत घातक हो सकते हैं। यह काम है कि चतुर्थी के दिन लोगों को चांद नहीं देखना चाहिए। बताया जाता है कि चांद देखने से झूठे आरोप लगने का डर बना रहता है। इसके अलावा कलन भी लग सकता है। अगली स्लाइड में पढ़ें, शुक्ल पक्ष की चतुर्थी पर नहीं देखना चाहिए चांद। शुक्ल पक्ष की चतुर्थी पर नहीं देखना चाहिए चांद। सिर्फ गणेश चतुर्थी ही नहीं बल्कि शुक्ल पक्ष की चतुर्थी पर भी चांद को नहीं देखना चाहिए। इसे देखने से मनाही है। यदि शुक्ल पक्ष की चतुर्थी में चांद को देखा तो फिर जिंदगी में परेशानी आ सकती है। अगली स्लाइड में पढ़ें इसके पीछे की कथा। चांद नहीं देखने के पीछे यह है मान्यता। चांद नहीं देखने के पीछे एक मान्यता है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण पर एक मणि की चोरी का कलंक लगा था। हालांकि सूर्यकांत मणि की चोरी के लिए लगा यह आरोप झूठा और बेबुनियाद था। पौराणिक कथा की माने तो शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन चंद्रमा को अपने रूप का अभिमान हो गया था। इसी दौरान चंद्रमा ने गणेश जी को देखकर उनको अपमानित कर दिया।